Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pakistan and Assalamualaikum, the whole world, and of course, very warm welcome back to all of you. दोस्तों जुनीद हसन मुश्तबा आपके साथ हाजिर खिदमत, एक और दिन, एक और एहसास, एक और जज्बा, एक और उम्मीद, एक और दुआ आज खूबसूरत महीने के इस पहले खूबसूरत जुमातुल मुबारक पे सिर्फ और सिर्फ आप सब के नाम के अलावा बादशाह तमाम तर भलाइयों को आपके हम सब के हमेशा के लिए करीब तर कर दे और तमाम तर बुराइयों को आपसे हम सब से हमेशा के लिए ना सिर्फ दूर तर कर दे बल्कि किए भी रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज के दिन के हवाले से आपसे सितारों की रोशनी में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन है, इसकी रहमतें और बरकतें भी आपकी और हमारी ज़िंदगी में अल्लाह बादशाह जो है वो खूबसूरती से मुज़य्यन फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तारीख की अगर बात करते हैं तो इस्लामी हवाले से 3 रबीउल अव्वल 1444 हिजरी माशाल्लाह से और 30 सितंबर 2022 ईस्वी जुमातुल मुबारक का दिन है। असूज की 15 हो चुकी है, 2080 बिक्रमी का साल है। बात करते हैं आपके सितारों के हवाले से, तरतीब ये है, सबसे पहले आपके सितारे की पहचान बताई जाएगी, उसके बाद जिक्र होगा कि आज का दिन तफसील से आपसे क्या कहता है। सेहत, दौलत, इज्जत, मोहब्बत, कारोबार, मुलाजमत, इज्तवारी ताल्लुक तमाम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। ये भी गुजारिश है आपके साथ हम करेंगे कि कितने फ़ीसद इन तमाम शोभाजात में आप आज अच्छा परफॉर्म करते नज़र आते हैं, फिर सिलसिले कितने फ़ीसद आपके लिए लकी नज़र आ रहे हैं। ये भी गुजारिश करेंगे कि आज के दिन के हवाले से आपका लकी नंबर और आपके लकी कलर्स कौन से हो सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा मुख्तसर पुरसर और जुमातुल मुबारक के हवाले से इसी दिन की मुनासिबत से एक खूबसूरत 2 से 3 तजावीज़ पर मुश्तमिल सेगमेंट होता है जिसे हम मुख्तसर पुरसर कहते हैं, और इसमें हम आपको बताते हैं कि इन चंद हवालों से आज के दिन को ज़रूर से नशीन कर लीजिएगा, या फिर जो भी आज आप अपनी रूटीन को स्केड्यूल कर रहे हैं, लाइन अप कर रहे हैं, तो इन हवालों को, इन बातों को जहन में ज़रूर रखिएगा। ये एक इंसानी आजाना सा जो है वो होता है जायज़ा, जो कि जिसमें डेफिनेटली इंसान से जिस तरह ख़ता की उम्मीद की जा सकती है तो उसके हमाल से भी डेफिनेटली होती है, तो इससे भी हो सकती है। टोटली कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, सिर्फ अल्लाह बादशाह की ज़ात है और उसकी अता से, उसके हबीब अलैहिस्सलाम की। जी बात करते हैं, रोज़ाना, माहाना, सालाना और हफ्तावार हमारी आपसे गुफ्तगू होती है, ओपन माइक होर्स को पॉडकास्ट इनको कहते हैं, आप तक पहुंचते हैं, आप पसंद करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। यूट्यूब पर सुनते हुए सब्सक्राइब कीजिएगा, एक एक सितारे की डिटेल गुफ्तगू आपको एक एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं पहले सितारे से। पहला सितारा एज़ यूजुअल हमारे पास बुर्ज हमल है, जिसको हम एरीज़ कहते हैं। सितारा मरीख होता है, 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान आप लोगों की तारीख है पैदाइश होती है। एरियंस और हमली ख़वातीन हज़रात भी आपको कहा जाता है। आज बहुत अच्छा दिन है, सेहत बहुत अच्छी रहेगी, चेहरे पे मुस्कुराहट होगी आपके, और अजनबी भी शनासा लगेंगे इंशाल्लाह आपको। फैमिली फ्रेंड्स के हवाले से बात करते हो तो भी पुरसकून और ख़ामोशी से आज का दिन एंजॉय कर पाएंगे आप, जो अच्छी और खूबसूरत बात है। और ख़ामोशी से मुराद ये है कि कोई मतलब कोई नेगेटिविटी, कोई झगड़ा, कुछ ऐसा नहीं होगा कि जिसकी वजह से कोई ना कोई खुदा ना खास्ता परेशानी हो। तो ख़ामोशी से, आसूदगी से आज का दिन जो है वो गुजर जाएगा, और आपकी तरफ से तो नहीं होगा, लेकिन इसके अगर सब कुछ अच्छा है तो हमें डेफिनेटली उन लम्हों की ज़कात, उन लम्हों के कह लें कि हमें जो है वो ज़रूर अदा कर देना चाहिए खराज, और वो इस अंदाज़ में कि अगर आपसे कोई मसाइल ज़्यादा लोग, कोई परेशान हाल लोग राबता करते हैं तो उन्हें आप किस तरह से टैकल करते हैं, ज़्यादा जहन पे सवार भी नहीं करना। लेकिन वो कहते हैं ना कि उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे, तो फिर आपको मसीहा भी बनना है, क्योंकि हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। सो ज़रा बैलेंस तरीके से उनको भी टैकल कर लीजिएगा, और जो जिनका पता हो ना कि ये ज़रा ड्रामेबाज हैं तो उन्हें नज़रअंदाज कर दीजिएगा। मोहब्बत के हवाले से अच्छा सिलसिला रहेगा, दिन का आगाज़ मोहब्बत की मुस्कुराहट से और इख्तिताम मोहब्बत की सोचों पे होगा और ख्वाबों पे होगा। आज करियर के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त, आपके अजायम बड़े खूबसूरत होंगे और आप बड़े एनर्जेटिक होंगे, पावरफुल होंगे, मतलब काम को करने के हवाले से भी फील करेंगे, और इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें ना भी हों तो ज़्यादा आपको मेरे ख्याल से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही ज़िंदगानी है, और ज़िंदगानी की ये खूबसूरत क्या उसे कहते हैं कि पेचो खम है, जो कि हमें अच्छी तरह से सिखाते रहते हैं। जहाँ तक अज़दवाजी लिहाज से बात करते हैं तो रोमानवी लम्हात होंगे और बड़ी खूबसूरत अंदाज में आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। लकी नंबर 5 ग्रीन लकी कलर, 80% से 100% दौलत, 100% खानदानी मामलात, 80% मोहब्बत, 40% कारोबारी मामलात और 80% अज़दवाजी ताल्लुकात साथ देते नज़र आते हैं। और अगर मुख्तसर पुरसर आप लोगों के लिए कहना चाहूँ तो ये कहूँगा कि मतलब अगर कोई भी बात आपके जहन में आ जाती है तो आप उसे करके ही छोड़ते हैं। सो मतलब कुछ गलत मत कीजिए, एहतियात कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।
बात करते हैं बुर्जे सौर की, हमारा दूसरा सितारा है स्यारा जोहरा। 21 अप्रैल से 20 मई के दरमियान आप लोगों की तारीख पैदाइश होती है। आज के दिन को अगर देखते हैं तो सेहत माशाल्लाह से अच्छी है, बच्चों से पॉजिटिव वाइब्स आपको लेनी चाहिए। बच्चे आपकी शाम को खूबसूरत बनाएंगे, उनके साथ वक्त गुजारिएगा और बड़ा खूबसूरत अहतमाम आज के दिन का हो जाएगा। जो बड़ा बेरंग सा मसरूफ कन सा दिन हो सकता है, लेकिन उसका अख्ताम जब खूबसूरत होगा तो आपको वो एहसास नहीं होगा कि आप थके थके हैं। सो कुछ अच्छा सा डिनर भी जो है बच्चों के साथ फैमिली के साथ प्लान कर लेते हैं तो और भी सोने पे सुहागा चीज़ें हो जाएगी। यहाँ तक बात, ये उनकी वाइब्स जो होती हैं ना, जो अपनों की मोहब्बत भरी वो खुलूस से मुजयन वाइब्स होती हैं, ये बड़ा इंसान को रिचार्ज करती हैं आप कह सकते हैं। तो ऐसा ही इंशाल्लाह आपके लिए भी होगा। जहाँ तक फैमिली के हवाले से बात करते हैं, दोस्त अहबाब के हवाले से बात करते हैं, तो कहीं दूर से किसी जानने वाले की जानिब से कोई ऐसी खूबसूरत बात ज़िंदगी का हिस्सा हो सकती है जो जान के आपको अच्छा लगेगा। और करियर के हवाले से अगर बात करते हैं तो कोई जॉइंट वेंचर बिल्कुल भी अभी मत उसका रिस्क लीजिएगा, क्योंकि पार्टनर्स जो हैं वो ज़्यादा आपका फ़ायदा ही उठाने की कोशिश करेंगे। किसी भी पार्टनरशिप को भी प्रायोरिटी मत दीजिए। शादीशुदा ज़िंदगी को देखते हैं तो बड़े खूबसूरत तरीके से इंशाल्लाह चीज़ें आपके हक में हो जाएंगी। लेकिन नंबर 4 रहेगा ब्राउन एंड क्रोए लकी कलर। 60% सेहत, 20% दौलत, 40% खानदानी मामला, 80% मोहब्बत, 20% कारोबार मामला और 80% दवारी दारों का आजाद नज़र आते हैं। मुख्तसर बुरसर अगर कहूँ तो प्रॉपर्टी के हवाले से कोई पेशकदमी नज़र आ रही है, लीगल उमूर जो हैं विरासती ख़ास तौर पर उनमें थोड़ा सा जो है वो एहतियात की ज़रूरत है, कोई झगड़ा वगड़ा हो सकता है, ये नॉर्मली इन चीज़ों का हिस्सा होता है। तो मसलहत से टैकल कीजिएगा, गुस्से के बजाय अगर अक्ल से काम लेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। मैं आपको कई महीनों से ये रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक। अगला सितारा डेफिनेटली हमारे पास बुर्ज जोसा है, और बहुत ज़्यादा जब ठंडा आप खा पी लेते हैं ना तो फिर इस तरह से होता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें आपकी सेहत की फ़िक्र है ना, इसलिए मैं मेंशन कर देता हूँ कि जो मुझ पे गुजर रही है वो मैं नहीं चाहता कि आप पे गुजरे। बुर्ज जोसा जमा नए वालों से आ रहा 21 मई से 20 जून के दरमियान तारीख है पैदाइश। आज ज़हनी सुकून आपके लिए बड़ा मैटर करेगा, योगा मेडिटेशन ज़बरदस्त रहेंगे इसके लिए और ज़हनी एतबार से आपको बड़ा फिट रखेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मैं कहता हूँ ना कि मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो जाइए तो ज़िंदगी जो रॉन्ग हो रही है वो राइट हो जाएगी इंशाल्लाह। सो खुशी से भरा हुआ दिन है, इंजॉय करने वाला दिन है, सब लोग आपके साथ अच्छे रहेंगे, ख़ासतौर पर जिनसे आप मोहब्बत की उम्मीद करते हैं वो मोहब्बत निसार करेंगे आप पे। लेकिन ये है कि कहीं कहीं फिर हो सकता है कि फिर ये मोहब्बत बड़ी ना अजीब शय है, वो कहते हैं ना सियासत मोहब्बत के दरवाजे पे खड़ी होती है। तो आज कोई इसी तरह का सिलसिला होगा कि और आपका जो लव पार्टनर है वो आपसे कोई वादा लेना चाहता होगा, कोई इस तरह की सिचुएशन होगी तो एहतियात की ज़रूरत होगी। करियर के हवाले से तो माशाल्लाह बहुत सी कामयाबियाँ आज आपके दामन में अल्लाह बादशाह जो है वो आपकी झोली में डाल देंगे माशाल्लाह से। ख़ास तौर पे काम के हवाले से या फिर वैसे ज़िंदगी में उन लोगों का ज़रूर जो है ना वो ज़रा बंदोबस्त करके रखिएगा या उन पर नज़र रखिएगा कि जो मूडी हो जाते हैं उस सूरत में कि जब उन्हें अपनी मनपसंद चीज़ नहीं मिलती। तो ये मतलब अब इसको बयां करना ये कम ज़र्फ़ी या ये क्या चीज़ है, ये मतलब मेरे साथ तो बहुत हो चुकी है और पिछले 4-5 साल से तो प्रैक्टिकली मैं बहुत फील कर रहा हूँ। 10-10 साल के रिश्ते टूट जाते हैं, तो एहतियात कीजिए इस हवाले से। ऐसा लगता है कि अज़दवाजी लिहाज से इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। लेकिन नंबर 2 से ब्लू एंड वाइट लकी कलर। 80% सेहत, 20% दौलत, 100% खानदानी मामला, 60% मोहब्बत, 60% अज़दवाजी तालुकात और 40% अज़दवाजी कारोबारी मामला इंशाल्लाह आज आपका साथ देते नज़र आते हैं। और अगर मुख्तसर पुरसर की जानिब हम बढ़ना चाहें थोड़ा सा जो है वो एक्सटेंड कर देते हैं आपको, तो आपका हक जो है वो आपको मिलेगा। लेकिन आपको वो हक छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए कुछ दिनों तक इंशाल्लाह। और अपने या गैर सबसे दूर रहने का आपको मशवरा दिया जा रहा है। सो थोड़ा सा कभी कभी महदूद हो जाना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हो जाता है कुछ अपनी ही बेहतरी के लिए, क्योंकि ये बड़े हसास मामलात होते हैं, यू नो। एनीवेज नेक्स्ट की जानी बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास बुर्ज सरतान है जिसे हम कैंसर कहते हैं। सियारा शांत होते हैं, 21 जून से 20 जुलाई के दरमियान तारीख पैदाइश होती है। ओवरऑल सेहत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह, लेकिन कोई सफ़र अगर करना पड़ा तो थका देने वाला हो सकता है।
100 बड़ों की दुआएं लेके जाइएगा। तो ये आपकी ज़िंदगी की छोटे छोटे मसाइल हैं, छोटी छोटी जो तकालीफ हैं, उनको इंशाल्लाह जो है वो ख़त्म कर देगा। बाकी सदका देखिए, अगर आप बाकी चीज़ों को टैकल कर लेते हैं तो और भी खूबसूरत रहेगा, सोशल लाइफ अच्छी रहेगी, और तवज्जो के साथ आगे बढ़ते रहिए अपने करियर के हवाले से। ख़ासतौर पर जो आपके आइडियाज़ हैं वो जब तक आपको यकीन ना हो कि ये मतलब उनकी ख़त्मी शक्ल आपने उन्हें दे दी है, तब तक उनको कहीं प्रेजेंट मत कीजिएगा। अज़दवाजी लिहाज से तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, लेकिन नंबर 6 पिंक लकी कलर, 60% सेहत, 20% दौलत, 80% खानदानी मामला, 60% मोहब्बत, 20% कारोबारी मामला और 60% अज़दवाजी ताल्लुकात साथ देते नज़र आते हैं। मुख्तसर पूरा सा डेफिनेटली शेयर करना, ज़िंदगी का हिस्सा है जी। सो एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। बाय द वे एक टॉपिक हमने रेडी कर रखा है कि जो सितारे बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं, 3 सितारे तो इसमें बड़े उरूज पे हैं, तो उनको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, एक अलग पॉडकास्ट इस पे करते हैं, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। आज के दिन को अगर देखते हैं मुख्तसर पूरा सर, तो उम्मीद मत छोड़िए, मायूस मत होइए, हालात को बदलने में एक पल भी नहीं लगता जब अल्लाह बादशाह चाहते हैं। सो मायूस मत होइए, आज बड़ा अहम दिन है, तौबा से काम लीजिए और देखिए कि कैसे हालात बदलते हैं, शाम तक आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बात करते हैं बुर्जे असद की, जो कि हमारा अगला सितारा सियारा शाम से 21 जुलाई से 21 अगस्त के दरमियान आपकी तारीख है पैदाइश। आज के दिन को अगर देखते हैं लियो वालो, बहुत अच्छा दिन, माशाल्लाह से कंग्रेचुलेशंस आपको कहना चाहेंगे, किस वजह से बताता हूँ बाद में। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि जहन अच्छी बातों को कबूल करेगा, ये काफ़ी अर्से बाद आप मेंटली जो है वो ख़ुद को पॉजिटिव, खुद को अच्छा फील कर पाएंगे, ये अच्छी और बड़ी खूबसूरत बात हो जाएगी। फैमिली के हवाले से अगर बात करते हैं तो पुरसकून और ख़ामोश दिन है। ख़ामोश से मुराद ये है कि कोई जो ऊँच नीच होती रहती है ना, वो नहीं होगी और बड़ा स्मूथ तरीके से आज का दिन जो है वो गुजर जाएगा। सो वेल एंड गुड, लेकिन वही बात आपके लिए भी कहना चाहूँगा कि जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो जो सब कुछ अच्छा चल रहा है उसके तसलसल के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए आपको उसका खराज अदा करना है। सो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो लोग आपसे राबिता करते हैं, आपको उनकी ढारस बनना है और उन्हें हौसला तो कम अज़ कम आप दे सकते हैं ना, तो किसी टूटी हुई उम्मीद की उम्मीद बंधा देना, मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई शायद दुनिया में कोई काम नहीं है। तो ये ज़रूर कीजिएगा, लेकिन वो जो ज़रा फ्रॉडी किस्म के लोग आपसे रुजू करें, तो उन्हें नज़रअंदाज ही कीजिएगा, उनको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। मोहब्बत के हवाले से अच्छा सिलसिला होगा, कुछ अच्छा जो है वो अपने लव पार्टनर के हवाले से प्लान कीजिएगा। दफ्तरी मामलात में देखते हैं तो इंशाल्लाह फ़ायदा मंद दिन है। अगर सफ़र करते हैं तो साथ तमाम डॉक्यूमेंटेशन को ज़रूरी बना लीजिएगा ज़िंदगी में नहीं सफ़र में, ये वैसे भी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त होना चाहिए, कहना ये चाह रहा था। अगर अज़दवाजी लिहाज से देखते हैं तो अच्छा दिन रहेगा, लेकिन नंबर 4 ब्राउन एंड ग्रे लकी कलर रहेंगे। 100% सेहत, 80% दौलत, 100% खानदानी मामला, 100% मोहब्बत, 100% कारोबार में मिला था और 100% अज़दवाजी ताल्लुकात आज आपका साथ देते नज़र आते हैं। यानी अगर मैं मुख्तसर पूरा सर कहना चाहूँ आप लोगों के लिए, तो क्लपिंग आपकी बनती है जी। अल्लाह बादशाह से खैर की दुआ करें, खोया हुआ इंशाल्लाह ज़रूर आपको मिल जाएगा और नफ़े के साथ इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होगा। कुछ अर्सा सब्र से काम लीजिए बस, बाकी इंशाल्लाह उसकी ज़ात बेहतर जानती है और बेहतर कारसाज है और इंशाल्लाह बेहतर करेगी। ये आपका ईकान, ईमान, एतकाद होना चाहिए। बात करते हैं जी हमारे बुर्ज सुंबला की, जिसको हम विरगो कहते हैं। सियारा तारद होता है, 22 अगस्त से 22 सितंबर के दरमियान आप लोगों की तारीख पैदाइश होती है। अगर आज के दिन के हवाले से आपकी बात कर लेते हैं, ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस कीजिए। कोई इमदादी खैराती काम यानी कोई सदका, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम पैसे दें या हम फिर वो वैसे तो सदका जो है मैंने भी मेंशन किए हुए हैं आपको, ऐसा नहीं कि मैं उन्हीं की नफ़ी कर रहा हूँ, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि हमारे पास पैसे हों तो हम वही सदका कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो उन लम्हों की वजह से भी होती हैं, जिन लम्हों में हम किसी एक टूटी हुई उम्मीद को दोबारा अल्लाह बादशाह के साथ जोड़ देते हैं, किसी एक टूटे हुए हौसले को हम दोबारा से तामीर कर देते हैं। तो ये ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ें हमें ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े जो है वो कह लें कि एहसास से नवाज देती हैं। सो मेंटली थोड़ा सा ख़ुद को बेहतर करने के लिए इस तरह का कुछ ज़रूर कीजिएगा, और अगर निकलिए बाहर आपको बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उदास चेहरों पे आप अगर मुस्कुराहट भी घेर दें तो ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। खैर आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ज़रा बजट को कंट्रोल कीजिएगा, नए दोस्त आज बनते नज़र आते हैं। मोहब्बत के हवाले से लकी रहेंगे, कारोबारी लिहाज से
पार्टनरशिप करते नज़र आते हैं। सो एनालिसिस दोबारा कर लीजिएगा। इस दवाजी लिहाज से अच्छा दिन है, लेकिन नंबर दो सिवर एंड वाइट लग के कलर 60% 20% और 100% खानदानी मामला 80% मोबाइल 100% कारोबार में मामला 80% इस दवाई तल्लु साथ देते नज़र आते हैं। अगर कोई आपकी बात को नहीं समझता तो खामोश रहिए और बहुत से लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों से। फ़िलहाल बेहतरी इसी में है। बेस्ट ऑफ लक।